वेलकम स्टूडेंट, चामनीकांत बीएड कॉलेज के इसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो पिछला क्लास में जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी डेवलपमेंटल स्टेज क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछला क्लास में मैंने जीन पियाजे के तीन स्टेज के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी कि जीरो से लेकर के जो है वो 11-12 साल की उम्र तक जो है वो कितने स्टेज में आया, उसे किस किस नामों से जानते हैं और उस अवस्था में किन किन गुणों का विकास होता है बच्चों में और वो किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो चलिए एक बार पुनः फिर से चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों की कि पिछला क्लास में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले जो है वो संवेदिक पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था ये फर्स्ट स्टेज है। ये जीरो से लेके यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवधि को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे इसमें पूर्व संक्रिय यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 2 से लेके 7 वर्षों तक का था। ठीक है, और तीसरा स्टेज था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये था आपका 7 से लेकर के 12 साल तक का। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है ये तीन स्टेज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान गए कि किस तरह से ये जन्म से लेकर के 12 साल तक जो है वो बच्चों में विकास कैसे होता है, उनमें ज्ञान का विकास कैसे होता है, उनकी उम्र के साथ साथ जो है अनुभव में वृद्धि होती जाती है, परिपक्वता आती जाता है और वो सरल भाषा से लेकर सरल कार्य से लेकर के जो है कठिन भाषा और कठिन कार्य को सीखने लगते हैं। तो ये तीन स्टेज में हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से इसके विभिन्न भागों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। चलिए जाते हैं इसका फोर्थ स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज। संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज थे डेवलपमेंटल थ्योरी में जो है, विकासात्मक अवस्था 4 प्रकार की थी, अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया था, ये मैंने पहले आप लोगों से चर्चा किया है। तो आज हम लोग जो है वो चौथे पॉइंट पर जाते हैं कि चौथा स्टेज क्या है। तो चलिए आते हैं, चौथे स्टेज को जो है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं। ये औपचारिक को जो है जैसे यहाँ पे मूर्त संक्रिय अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तो ठीक इसी तरह से इस औपचारिक को जो है अमूर्त कहते हैं, अमूर्त। तो औपचारिक संक्रिय अवस्था ये 11 से लेकर 18 वर्ष तक का होता है यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें जो है बच्चा की उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए बच्चा का अनुभव और परिपक्वता के साथ साथ उनकी ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कैसे, तो उसको पॉइंट वाइज करके हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों का इस उम्र में विकास होता है। सबसे पहला यहाँ पे आता है कि बच्चा जो है, बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। विसंगतियाँ मीन्स होता है कि अच्छे और बुरे का ज्ञान। तो 18 वर्ष तक के यानी 11 से लेके ऊपर के जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है, उनको पहचानने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। दूसरा है अनुभवों को काल्पनिक रूप में बदलने की क्षमता, यानी काल्पनिक रूप किसको बोलते हैं, काल्पनिक यानी हमारा कल्पना, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, हम किसी भी कार्य को करने से पहले कल्पना तैयार करते हैं, वो हमारा इस योजना जो हम तैयार करते हैं वो काल्पनिक रूप में होता है कि हमको
कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो उसके लिए हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों की हमको आवश्यकता होगी, और हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के बारे में विशेष जानकारी लेंगे कि वहाँ पे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और उसका पहले से ही हम लोग जो है वो तैयारी कर लेंगे। तो ये जो है ये कल्पना के तौर पर जो है उनकी क्षमता जो है वृद्धि हो जाती है, वो उस चीज़ को तैयार करना सीख जाते हैं, यानी हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है घटनाओं की परिकल्पनाओं बनाने की जो सत्यापित करने की बात होती है, तो इसी तरह से तो परिकल्पना जैसा कि आपको बताएं कि इसमें का पहला में है अनुभवों को काल्पनिक रूप में बदलने की क्षमता, यानी जो कुछ भी वो अनुभव किए हैं उनको वो सोचते हैं समझते हैं कि कैसे करना है, फिर जो है उनमें हाइपोथेसिस की भी जो है वो चिंतन प्रक्रिया में आ जाती है कि कैसे हम किसी कार्य को करेंगे। मान लीजिए कि हमारा कोई क्लास है, हमारा साइंस का क्लास है, तो साइंस के क्लास से पहले हमको किन किन चीज़ों को तैयार रखना होगा, तो ये जो हाइपोथेसिस है ये बनाने और उनको सत्यापित करने की क्षमता में इनमें वृद्धि आ जाती है। विचारों को संगठित एवं वर्गीकृत करना ये सीख जाते हैं इस उम्र में जो है बच्चे। अभी तक क्या होते थे कि हमने पहले बताया कि वर्गीकरण नहीं सीखते थे, वर्गीकरण सीखे हैं आपके लिए, आपको 7 से ऊपर की यानी 12 वर्ष की अवधि तक जो है वो वर्गीकरण करना सीखते हैं, तो यानी इनमें जो है ये गुण यानी इस ज्ञान का विकास पूरी तरह से हो जाता है, वो किसी वस्तु का वर्गीकरण बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और संगठित रूप में किसी चीज़ को अपने विषय वस्तु को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बच्चे प्रतीकों का अर्थ समझने लगते हैं, किसी भी चीज़ का क्या प्रतीक है क्या नहीं है वो उन चीज़ों को वो अच्छे से समझ जाते हैं। यह अवस्था जो होती है 12 वर्ष की से व्यस्क होने तक चलता रहता है, यानी 12 साल से लेकर के 18 साल तक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार हो जाता है, क्यों, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र के बालक बालिका मैच्योर हो जाती हैं, व्यस्क हो जाती हैं, इसीलिए उनको मत देने का अधिकार होता है, तो ये अवस्था 18 वर्ष तक यानी 12 वर्ष से ऊपर चलती रहती है। या अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास यानी आपके संज्ञान में माइंड में मस्तिष्क में जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो उम्र के अनुसार बढ़ती जाती है, तो ये इसका जो है अंतिम स्टेज होता है। कहने का अर्थ यह है कि इस उम्र तक आते आते बच्चे पूर्ण रूप से जो है वो समझदार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयु बढ़ने से अनुभव बढ़ने पर समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये एकदम क्लियर है आपका पॉइंट से कि जैसे जैसे आयु बढ़ता है वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ते चले जाता है, और जब हम अनुभव हमारा बढ़ जाता है तो कोई भी समस्या आती है तो उसको हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो ठीक यही क्रिया यहाँ पे बालक करता है कि जब कोई समस्या आती है तो उसको अनुभवों के आधार पे समाधान करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अनुभव से भरा हुआ है, वो परिपक्व हो गया है, इसीलिए क्योंकि उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी अनुभव में वृद्धि हो गई है, तो इसी चलते जो है उसको समस्या समाधान की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है उसमें चिंतन में क्रमबद्धता आता है। चिंतन पहले हम लोग पढ़े थे कि बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कहे थे कि बच्चे क्रमबद्ध रूप में चिंतन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं तो वो जो है वो करते ही चले जाते हैं, उनका नियम क्या है, नियम क्यों रखा गया है, ऐसा ये नहीं कहते। जैसे कि मान लीजिए कि इस उम्र के बच्चे को मैंने बताया था आप लोगों को, कोई बच्चा जो है किसी भी चीज़ को उठा के नीचे गिरा के देखता है कि गिरने के बाद उसमें क्या रिएक्शन होता है, लेकिन उसको समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन 18 वर्ष तक के बच्चों को जब हम ये कहते हैं जब वो किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकता है और उन्हें नीचे की ओर आता है तो वो ये जानते हैं कि ये न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियम के अकॉर्डिंग जो है वो नीचे आता है। कहने का मतलब कि वो उसका कारण जान जाते हैं, किसी भी कार्य के पीछे का कारण क्या होता है ये समझने की क्षमता इस उम्र के बच्चों में आ जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। सिंपल सा है कि 18 वर्ष की अवस्था आते आते बच्चे पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, अच्छी तरह से समझने लगते हैं, अपने विचारों को संगठित करने लगते हैं, वर्गीकरण करना जान जाते हैं, नियम को जान जाते हैं, सभी चीज़ को जो है वो डिवाइड करना सीख जाते हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क करना जान जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में ज्ञान का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, संज्ञान का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, जिसके चलते बच्चे जो है वह विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यह है हमारा जीन पियाजे का स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारे संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं आज आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास से बहुत समझ में आया होगा और ये 4 अवस्थाएं जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा
ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्लास में आगे और चर्चा करेंगे कि इसका एजुकेशन में इम्प्लीकेशन क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।